एडवांस के पेपर का एक और ये क्वेश्चन आप देखते हैं, लेट वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 30 इज ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन ए 60 एक्स रेज टू 60। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन भी लगाते हो या मल्टीनोमियल एक्सपांशन लगाते हो तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, स्क्वायर है और यहाँ पे 30 है तो स्क्वायर और 30 पावर 2 और पावर 30 जब मल्टीप्लाई होगी तो 60 मैक्सिमम पावर ए 60 की बनेगी और मिनिमम पावर 1:30 की होगी। मतलब एक कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगा जो कि ए ज़ीरो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मिनिमम कांस्टेंट टर्म मैक्सिमम पावर 60। तो ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स, मतलब इसमें कौन कौन से डिग्री के टर्म्स होंगे, डिग्री 01, डिग्री 1 टर्म, डिग्री 2 टर्म, डिग्री 3 अप टू डिग्री 60, मैक्सिमम इतना ही होगा इसमें, ठीक है। तो टोटल 61 टर्म्स होंगे इसमें, 61 टर्म्स के अपने अपने कोएफिशिएंट्स और अपनी अपनी पावर्स, तो ऐसे एक्सपांड करके लिखा हुआ है। अब हमको मैच तो फॉलोइंग करना है कि इस क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा, फिर इस क्वांटिटी की वैल्यू हमको निकालनी है इसकी एंड इसकी, और यहाँ पे मैच तो पेयर करना है, ठीक है। अब ये देखो हमको ये दिया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 30 विच इज ए ज़ीरो ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड ए 60 एक्स रेज टू 60। एक्स को हम लोग माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आएगा, रेज टू 30 इज इक्वल टू ए ज़ीरो माइनस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए 60 एक्स रेज टू 60। एक्स को माइनस एक्स से हमने रिप्लेस कर दिया, तो जहाँ कहीं भी ऑड पावर होगी वो माइनस हो जाएगी, इवन पावर होगी तो उसकी साइन प्लस ही रहेगी। अब हम लोग इसमें एक्स को 1 बाय एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू 30 इज इक्वल टू ए ज़ीरो माइनस ए 1 बाय एक्स प्लस ए 2 बाय एक्स स्क्वायर एंड ए 60 बाय एक्स रेज टू 60। इनका डिनोमिनेटर हम लोग सेम बनाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो तीनों का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर रेज टू 30 इज इक्वल टू ए 0 माइनस ए 1 बाय एक्स प्लस ए 2 बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए 60 बाय एक्स रेज टू 60। एक्स स्क्वायर और 30 तो डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू 60 आ जाएगा, उसको राइट साइड पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे ए 0 एक्स रेज टू 60 आएगा, यहाँ पे ए 1 एक्स रेज टू 59 आएगा, यहाँ पे ए 2 एक्स रेज टू 58 आएगा और यहाँ पे सिर्फ ए 60 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग और इस टर्म को भी हम लोग ऐसा लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 30 इज इक्वल टू ए 0 एक्स रेज टू 60 माइनस ए वन एक्स रेज टू 59 प्लस ए टू एक्स रेज टू 58 एंड सो ऑन ए 60। तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एल एच एस में क्या आएगा, देखो एल एच एस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू 30, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस टर्म के साथ, उसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू 30 इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड इसका और राइट हैंड साइड इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बनने वाले हैं, बट अगर आप देखो कि ये जो प्रोडक्ट है ओके, इसमें जाके हमको एक टर्म उठाना पड़ेगा, वो टर्म कौन सा है ये देखो, जब इसका पहला टर्म इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा ए ज़ीरो इंटू ए ज़ीरो एक्स रेज टू 60, तो उसको बस लिखते जाते हैं ए ज़ीरो स्क्वायर एक्स रेज टू 60। फिर ये वाला टर्म, ऑल्दो ये वाला टर्म हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, हम सब में इंटरेस्ट नहीं रख रहे, हम लोग सिर्फ इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू 60 का टर्म जनरेट होगा, तो हम लोग सिर्फ एक्स रेज टू 60 के टर्म्स लिखने वाले हैं राइट हैंड साइड पे, और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड के इस एक्सप्रेशन से एक्स रेज टू 60 का टर्म उठाना है हमको। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, इस एक्सप्रेशन से अगर आप एक्स रेज टू 60 का टर्म उठाते हो
तो राइट साइड पे भी हम लोग एक्स रेज टू 60 का टर्म उठाएंगे और देखेंगे कि एक्स रेज टू 60 का टर्म क्या है। तो a0 a0 स्क्वायर माइनस a1 प्लस a1 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस a1 स्क्वायर एक्स रेज टू 59 इंटू एक्स, दैट इज अगेन एक्स रेज टू 60। a2 एक्स रेज टू 58, a2 एक्स स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा a2 स्क्वायर एक्स रेज टू 60। तो एक्स रेज टू 60 का टर्म ऐसा जनरेट होने वाला है। लास्ट टर्म क्या होगा देखो, a60 इंटू a60 इंटू एक्स रेज टू 60। तो a60 का स्क्वायर एक्स रेज टू 60, इफेक्टिवली एक्स रेज टू 60 का टर्म ऐसा दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, इसमें से भी हमको एक्स रेज टू 60 का टर्म ढूंढ के निकालना है। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर एंड सो ऑन, a60 का स्क्वायर, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 60 इन ये। अब देखो इनकी पावर 30 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो टर्म है उसकी वैल्यू ये है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, रिक्वायर्ड टर्म। हमको जो रिक्वायर्ड टर्म है उसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं, रिक्वायर्ड टर्म का वैल्यू ये है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 60, इसमें इसका स्क्वायर लगाओ। यहाँ पे आएगा एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 30। इसमें मुझे एक्स रेज टू 60 का कोएफिशिएंट चाहिए, थोड़ा शॉर्टकट में लिखते जाते हैं, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 30। इसमें मुझे एक्स रेज टू 60 का कोएफिशिएंट चाहिए। किसके लिए चाहिए, इस टर्म के लिए। सो नाउ फाइनली वी हैव a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर प्लस a60 स्क्वायर इज इक्वल टू। अब काफ़ी इजी हो गया। देखो ये जो एक्सप्रेशन है, ऐसा एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, ये देखो ये रहा हमारे पास। फ़र्क क्या है, अगर आप इस एक्सप्रेशन में x की जगह एक्स स्क्वायर लिख देते हो, ये इसमें अगर आप x की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देते हो तो क्या फ़र्क आएगा, x की जगह पे एक्स स्क्वायर, x की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखे हुए तो एक्स रेज टू 4 होगा, x की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखे हुए तो यहाँ पे एक्स रेज टू 120 आएगा। मैं एक काम करता हूँ, ये लिख ही देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 30। इसमें हम x की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा एक्स रेज टू 4। इसका जो एक्सपांशन है वो ऐसा होगा, a0 माइनस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स रेज टू 4 एंड सो ऑन, a60 एक्स रेज टू 120 ऐसा आएगा। अब देखो हमारे पास मिलती जुलती चीज़ें हैं, हमको इस टर्म में एक्स रेज टू 60 का कोएफिशिएंट ढूंढना था और इस टर्म की एक्सपांशन हमारे पास है। देखो ये रही, क्या दिख रहा है इस एक्सपांशन में, a2 है तो एक्स रेज टू 4 है। तो क्या लगता है आपको, बीच में एक टर्म होगा, वो टर्म क्या होगा, बीच में एक टर्म होगा विच विल बी a30 एक्स रेज टू 60, बराबर। इसके एक्सपांशन में एक बीच में टर्म होगा, क्योंकि 1 है तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है, सारे टर्म्स पॉजिटिव है। a1 है तो एक्स स्क्वायर, a2 है तो एक्स रेज टू 4, a30 तो एक्स रेज टू 60। तो एक्स रेज टू 60 का इसमें जो टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, a30 होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कि एक्स रेज टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 30 में एक्स रेज टू 60 का जो कोएफिशिएंट है वो होगा a30। तो बस इसको कंपेयर करो, a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर प्लस a60 स्क्वायर इज a30। a30 को नीचे शिफ्ट कर लोगे तो इसका वैल्यू होगा 1। तो उन्होंने वही पूछा है पहला क्वेश्चन में कि a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर अप टिल a60 स्क्वायर बाय a30 इट्स वैल्यू इज 1। 1 आंसर है इसका। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखो फिर से लिखते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 30, इट इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड a60x रेज टू 60।
इसमें हम x का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो 1:30 बचेगा विच इज़ 1 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड a60। फिर x को -1 पुट अप करेंगे, x को -1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो 3:30 इज इक्वल टू a0 माइनस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन प्लस a60। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1:30 इज इक्वल टू 2 times a0 प्लस a2 प्लस a60। सारे के सारे इवन इंडेक्स वाले टर्म्स बच जाएंगे, a0, a2, a60 ये बच जाएगा। तो जो हमको आंसर निकालना था वो a0, a2, a4 और फिर a60 डिवाइडेड बाय हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम लोग इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे तो 1 = आ जाएगा 2 times a0 a2 एंड a60 बाय 1:30। और हमको यहाँ पे आंसर पूछा है, ये टर्म तो है ही, यहाँ पे 4 है तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू टू कर दिया। और यही सेकंड क्वेश्चन है, 4 times a0 a2 अप टू a60 डिवाइडेड बाय 1:30, उसका वैल्यू है 2 × 1 विच इज 2। तो क्यू क्वेश्चन का आंसर है 2 आंसर है उसका। और वो कौन से मैस्टर पेयर में दिया हुआ है, वो थर्ड मैस्टर पेयर में दिया हुआ है। जो मैस्टर पेयर दिया हुआ है उसमें पहला है 0, सेकंड दिया हुआ है 1, थर्ड दिया हुआ है 2, फोर्थ दिया हुआ है 3। तो 2 आंसर हमारा है, मीनिंग 3 को मैच करना है इसको। फिर अगले सम पे आते हैं, सेम चीज़ हमको करनी है। इसमें हमने 1 पुट अप किया, ये आ गया, इसमें हमने -1 पुट अप किया, ये आ गया। इन दोनों को अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 - 3:30 इज इक्वल टू 2 times a1 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस a59। ऑड इंडेक्स वाले टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। इस टर्म को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 1 = 2 × a1 प्लस a3 एंड प्लस a59 डिवाइडेड बाय 1 - 3:30। और ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है 6 times, यहाँ पे बस 6 लाना है हमको, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी (3). तो 6 times a1 प्लस a3 अप टिल a59 अपॉन 1 - 3:30 का वैल्यू है 3। 3 मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन 4। मैस्टर पेयर में 4 को ज्वाइन करना है उसको। अब आते हैं लास्ट इस पर। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये ओरिजिनल रिलेशन 1 - x + x²⁴ इज a0 a1x a2x² एंड a60 x⁴। इसमें x को हमने -x से जब रिप्लेस किया तो ऑल्टरनेट -++ आ जाएगा, ऑड पावर्स नेगेटिव हो जाएंगे, इवन पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया था। फिर x को 1/x से जब रिप्लेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे, राइट हैंड साइड में a0 x⁴ a1 x⁴ 59 a2 x⁴ 58 ये वाले टर्म्स आ जाएंगे। जब इसमें हमने x को 1/x से रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया। और फिर जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये दोनों टर्म्स को तो लेफ्ट हैंड साइड में x⁴ x² + 1 - 30 आता है। ये यहाँ तक हम लोग पहले भी किया है। अब इसमें हमको कोई एक कोएफिशिएंट ढूंढ के निकालना है। और हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड पे अगेन जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारे टर्म्स बनने वाले हैं, बट हम लोग एक स्पेसिफिक पावर में इंटरेस्ट रख रहे हैं यहाँ पे, वो है x⁴ का टर्म। देखो ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा a0 a1 आएगा, तो a0 a1 और पावर कितनी होगी, x⁴ × x⁴। फिर हम लोग -a1 a2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -a1 a2 ये भी x⁴ × x² x⁴ का टर्म होगा। तो x⁴ के टर्म्स ऐसे दिखेंगे, a0 a1 a1 a2 फिर a2 प्लस a2 a3 एंड सो ऑन। ये ऑल्टरनेट कंसेक्यूटिव इंडेक्स वाले टर्म्स, ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले मल्टीप्लाइड होके आपको मिल जाएंगे, x⁴ की पावर होगी। ठीक है, हमको दिख रहा है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो टर्म है x⁴ का कोएफिशिएंट होगा। तो हमको इसमें भी x⁴ का कोएफिशिएंट ढूंढ के निकालना है इस एक्सप्रेशन में, x⁴ का कोएफिशिएंट। नाउ इसकी जो एक्सपांशन है वो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या है देखो, 1 + x + x²⁴ की हमारे पास है a0 a1x a2x²
ए सिक्सटी एक्स रेज टू 60। इसमें एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 रेज टू 30। ए ज़ीरो ए वन एक्स स्क्वायर ए टू एक्स रेज टू 4 ए थ्री एक्स रेज टू 6 एंड सो ऑन ए सिक्सटी एक्स रेज टू 120। ठीक है, तो इसकी एक्सपांशन, इसकी पावर 30 की एक्सपांशन हमारे पास है। आप बताओ इसमें एक्स रेज टू 61 का टर्म होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए ज़ीरो स्क्वायर एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स रेज टू 4 का टर्म है, एक्स रेज टू 6 का टर्म है, सिर्फ इवन पावर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑड पावर, एक्स की ऑड पावर के टर्म्स है ही नहीं, वो ज़ीरो है। बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए था कि यही वाला टर्म देखो यहाँ पे है, एक्स रेज टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू 30। इसमें हमको एक्स रेज टू 61 का टर्म चाहिए, ऑड पावर का टर्म चाहिए, तो वो क्या होगा? ज़ीरो। एक्स रेज टू, इसकी एक्सपांशन में एक्स रेज टू 61 का कोएफिशिएंट ज़ीरो है, तो ये टर्म भी क्या होगा? दिस इज़ ज़ीरो। ऐसे इसका आंसर निकाला गया है।